हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नोबल प्राइज़ 2018 में जो हाल ही में अभी वितरित हुआ है। यह है हाल ही में पांच अलग अलग क्षेत्रों जैसे फिजियोलॉजी, मेडिसिन, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और आर्थिक विज्ञान में 2018 नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। यह पहली बार है कि मी टू घोटाले के कारण 70 वर्षों में कोई साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं इसको देखिए आपको ट्रिक से याद करने की विधि बताऊंगा जो बहुत ही फनी ट्रिक है। ठीक, तो आप इसको केवल सुनिएगा, आपको लास्ट तक ये होगा कि आपको ये चीज़ किसको किसको 2018 में नोबेल प्राइज़ मिला है आपको याद हो चुका होगा, केवल आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं कि शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उनका नाम है डेनिस मुकवेज और नाडिया मुराद। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने याद करने के लिए कैसे बनाया है ट्रिक। तो मुकवेज से मैंने बनाया मुक्केबाज। ठीक है, मुक्केबाज, मुक्केबाज ने जैसे ही मुक्का मार दिया, मुक्केबाज ने जैसे ही मुक्का मार दिया, पूरी जगह शांति सी छा गई। मुक्केबाज ने जैसे ही मुक्का मार दिया, पूरी जगह शांति छा गई। तो हमारा ये ट्रिक बनता है कि मुक्केबाज ने जैसे ही मुक्का मार दिया, पूरी जगह शांति छा गई। ठीक है, तो मुराद, नादिया मुराद, ये इनको जो मिला था, ये मिला था किस क्षेत्र में, इसका विवरण है। देखिए, इनको मिला था फॉर देयर रिपोर्ट्स टू एंड द यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के उपयोग को खत्म करने के अपने प्रयासों के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है इस बार। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सेकेंड आता है इकोनॉमिक साइंस। तो इकोनॉमिक साइंस में, आर्थिक विज्ञान में किसको मिला है, विलियम डी नॉर्डहस एंड पॉल एम रोमर को। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए देखिए मैंने क्या बनाया है। इकोनॉमिक इतनी यूएसए के हैं दोनों, इकोनॉमिक यूएसए की इतनी ख़राब है, इकोनॉमिक याद ऐसे ही रिमेम्बर करने के लिए याद रख लीजिए, इकोनॉमिक यूएसए की इतनी ख़राब है कि एक व्यक्ति हंस रहा है, नॉर्डहस, तो रोम बोल रहा कि मत हंस, ना हंस, मेरा रोम रोम काँप रहा है कि आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, आर्थिक विज्ञान कैसे सुधरेगा यहाँ का। ठीक है, आर्थिक विज्ञान, तो हमको यहाँ से आ जाएगा ना हंस, ना हंस, नॉट हंस, मेरा रोम रोम काँप रहा है कि आर्थिक विज्ञान कैसे सुधरेगा, मेरा रोम रोम रोमर। ठीक है, मेरा एम से एम रोमर, मेरा रोम रोम काँप रहा है कि आर्थिक विज्ञान कैसे सुधरेगा, ना हंस, मेरा रोम काँप रहा है कि आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। देखिए, इसमें जो मिला था वो लंबे समय से चलने वाले व्यापक आर्थिक विश्लेषण में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए, लंबे समय से चलने वाले व्यापक आर्थिक विश्लेषण में तकनीकी नवाचारों को एकीकृत करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो इसमें मिला है अब फ्रांसिस एच अर्नाल्ड यूएसए के हैं, जो जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर। ठीक है, संयुक्त रूप से इनको मिला है। तो क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो रसायन, तो रस आयन, ठीक है, आयन है मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी हमको ठंडी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो क्या बोलता है, आयन, आयन मतलब समझ लीजिए कि गर्मी से। ठीक है, तो बोलता है कि विंटर में स्मिथ, स्मिथ तुम विंटर में आना, क्या बोलता है, स्मिथ तुम विंटर में आना, इस बार स्मिथ तुम विंटर में आना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रसायन पढ़ेंगे, रसों के आयन, रस के आयन, ठीक है, आयन के बारे में पढ़ेंगे विंटर में, जिससे हमारे में हीट पैदा होगी। तो इससे याद रहेगा, विंटर में स्मिथ तुम विंटर में आना, स्मिथ तुम विंटर में आना, रस के आयन के बारे में पढ़ेंगे। इससे आप देखिए एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें तुम विंटर में आना, हम रस के आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो रसायन में किसको किसको मिला है, अर्नाल्ड, अर्नाल्ड यूएसए,
डोनाल्ड भी याद कर सकते हैं, ठीक है, डोनाल्ड से अर्नाल्ड याद आ जाएगा, जॉर्ज पी स्मिथ यूएसए एंड सर ग्रेगरी पी विंटर, ठीक है। तो ये मिला है एंजाइमों को निर्देशित विकास, पेप्टाइड्स और एंटीबॉडी के फेज डिस्प्ले के लिए। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स तो फिजिक्स में मिला है आर्थर आस्किन आस्किन, जेरार्ड मैरो और डोना स्ट्रिकलैंड जो कनाडा से हैं। तो देखिए ये तीन लोग को मिला है, तो इसको याद कर, और किस क्षेत्र में मिला, लेजर भौतिकी के क्षेत्र में ग्राउंड बैंकिंग आविष्कारों के लिए, लेजर भौतिकी के क्षेत्र में ग्राउंड बैंकिंग आविष्कारों के लिए, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो भौतिकी, तो देखिए इसको आसकी का भूत चढ़ा हुआ है, भौतिकी मतलब भूत समझ लीजिए। देखिए केवल याद करने के लिए, हो सकता है आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपको सब नोबेल प्राइज याद हो गए हैं, किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में मिला है। तो देखिए इसको आसकी का क्या चढ़ा हुआ है, भूत चढ़ा हुआ है। तो क्या बोलता है कि जरा मेरी आसकी का भूत किसी ट्रिक से उतार के दिखाओ, तो कोई भी ट्रिक लगा लो मेरी आसकी का भूत नहीं उतरेगा। तो देखिए इससे याद हो जाएगा, कोई भी ट्रिक लगा लो मेरी आसकी का भूत नहीं उतरेगा, मेरी आसकी का भूत नहीं उतरेगा किसी भी ट्रिक से। तो स्ट्रिकलैंड, किसी भी ट्रिक से मेरी आसकी का जो भूत है वो नहीं उतरेगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि मेरी आसकी का भूत किसी भी ट्रिक से नहीं उतरने वाला। तो भौतिकी में कौन कौन है, आस्किन, मोरो और स्ट्रिकलैंड, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति हमको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी या चिकित्सक के क्षेत्र में किसको मिला है, जेम्स पी एलिशन और तसाकू होंजो, ठीक है। तो फिजियोलॉजी या चिकित्सा में मिला है किसको, जेम्स पी एलिशन और तसाकू होंजो जो जापान के हैं। इन्हें मिला किस चीज़ के लिए मिला है, ऋणात्मक प्रतिरक्षा विनियमन के अवरोध से कैंसर थेरेपी की खोज के लिए, ठीक है, ऋणात्मक प्रतिरक्षा विनियमन के अवरोध से कैंसर थेरेपी की खोज के लिए। तो ये याद कैसे रहेगा, फिजियोलॉजी में किसको किसको मिला है, तो देखिए क्या बोलता है, हाँ जी अलीशान बंगला होगा, क्या बोलता है, हाँ जी अलीशान बंगला होगा, लेकिन कब होगा, जब चिकित्सक हमारी चिकित्सा केंद्र जो है हमारा अच्छा चलेगा। तो देखिए चिकित्सा केंद्र अच्छा चलेगा तो उसके पास पैसा आएगा, तो हाँ जी अलीशान बंगला होगा जब हमारा चिकित्सा अच्छे से, चिकित्सा केंद्र फिजियोलॉजी जब अच्छे से चलेगी तो हमारा अलीशान बंगला होगा, एलिशन हाँ जी होंजो तसाकू होंजो। तो फ्रेंड्स आपको देखिए ये याद हो गया होगा, जब आपको ऑप्शन दिखेगा ना, तो जो मैं बता रहा हूँ केवल आप उसको अगर रिमेम्बर कर लेते हैं तो पक्का आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा इससे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहे और ऐसे ऐसे फनी ट्रिक आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।